नमस्कार, आप देख रहे हैं और वॉइस न्यूज 24x7 और मैं आपके साथ इसे कुमारी दुमका से धनंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले झारखंड की उपराजधानी दुमका में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक रैली निकाली गई। शहर के विवेकानंद चौक से डीसी चौक होते हुए समाहरणालय के गेट तक यह रैली निकाली गई। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नाम उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा। इस रैली में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के संताल परंगना प्रमंडल प्रभारी दशरथ महतो, प्रमंडल प्रभारी धनंजय कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सियाराम शरण सिंह, जिला अध्यक्ष विनोद बिहारी सारस्वत, परमंडलीय सचिव निर्मल कुमार साह, चंदन कुमार महेश कुमार मंडल, मुकेश कुमार मिश्रा, नितिन कुमार जॉनी, बीरबल दास, केशरी नाथ यादव, विपद यादव, सुधीर कुमार, राकेश कुमार मुन्ना, रूपम कुमार सिंह, सुबीर चटर्जी, नितेश कुमार, विनोद त्रिवेदी, बिशु डुडू, नितेश कुमार पाल, पंकज कुमार माउन, सबीर अंसारी, रामजी साह, एस हुसैन अब्दुल अंसारी, विजय तिवारी, दिलदार अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, बीरू कुमार दास सहित काफी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, कितना भय के माहौल में काम करते हैं, किस तरह की दिक्कतें वहां आती है? नहीं, वर्तमान समय में बेखौफ होकर बंकिया तो काम कर रहे हैं। पत्रकारों को हर जगह पर कुचलने और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आए दिन पत्रकारों पर हमला किया जाता है। प्रशासन केवल नाम का कार्रवाई के नाम पर FIR लॉन्च करती है, कार्रवाई कुछ नहीं करती है। इससे हम सभी पत्रकार साथी काफ़ी आक्रोशित होकर के उपायुक्त दुमका के माध्यम से AISMW के तहत बैनर तले हम लोग ये कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू किया जाए। जिन पत्रकारों पर हमला हुआ है उनके अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मंशा बना चुके हैं। क्या हुआ, आप लोग कहाँ हैं आज? आज हम लोग आए थे उपायुक्त दुमका के पास। उपायुक्त के माध्यम से हम लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया है कि पूरे प्रदेश में जो लगातार पत्रकारों पर हमला हो रहा है वो हमला रोका जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। साथ ही ग्रामीण स्तर पर जो हमारे पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लगातार सरकार के लिए और देश के लिए पत्रकार काम करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति आज ऐसी है कि हर छोटे से छोटे स्तर पर हमला हो रहा है लगातार। कुछ दिन पहले रांची में भी पत्रकार के साथ बुरी तरह से मारपीट हुआ था, हमारे दुमका में भी हो रहा है और गाँव स्तर पर हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.